आज मैं आर्टिकल में डेफिनेट आर्टिकल दा के यूज का चौथा पॉइंट बताने वाला हूँ। पिछली वीडियो में आपने तीन पॉइंट तक ही देखे हैं, उसके बाद चौथा पॉइंट किस प्रकार से है हम वो देखते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। चलिए देखते हैं। चौथा पॉइंट जो हम लोग दा के यूज में देखेंगे डेफिनेट आर्टिकल, वो ये होगा कि दी का प्रयोग या दा का प्रयोग हम माउंटेन रेंजेस के साथ करेंगे। माउंटेन रेंजेस का मतलब हो जाएगा, माउंटेन रेंजेस का मतलब होगा पर्वत श्रेणियां या पर्वत मालाएं। ठीक है, तो हम यहां पर हिंदी में लिख दे रहे हैं पर्वत मालाएं। पर्वत मालाएं किस प्रकार से, एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जांपल में हमने पढ़ा हुआ है हिमालय। आज हिमालय पर्वत मालाएं हैं, उसमें कई चोटियां दी हुई हैं, इसलिए उसे हम द हिमालयाज लिखेंगे, द अल्प्स। एल्प्स की पर्वत श्रृंखला है। अब एल्प्स जो पर्वतमाला है वो फ्रांस और इटली के बीच की पर्वतमाला है, उसके बारे में भी आप जानते होंगे। इस प्रकार से हम पर्वतमालाओं के नाम के आगे द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अगर हम यहाँ कहें कि माउंट एवरेस्ट, जैसे हम लोगों ने देखा है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट एक पर्वत चोटी का नाम है ना कि पर्वतमाला का, इसलिए इसके आगे हम द नहीं लगाएंगे। अगर किसी का नाम हो जाएगा तो उसे नाउन कहते हैं, तो यहाँ पर ये नाउन हो जाएगा प्रॉपर, और प्रॉपर नाउन की कंडीशन के हिसाब से ही उसके आगे द लगाएंगे, ना कि इस प्रॉपर नाउन के आगे। इसके बाद पांचवा प्रयोग देखते हैं हम। पांचवा प्रयोग यूनिक थिंग्स के आगे भी हम द लगाएंगे। यूनिक थिंग्स समझ रहे हैं आप लोग, अद्वितीय वस्तुएं। अद्वितीय वस्तुओं के साथ भी हम दा लगाएंगे। अद्वितीय वस्तुएं कैसे, जैसे दासन, दामून, जो पूरी दुनिया में एक ही है। एग्जांपल लिख लेते हैं हम लोग, दा शन दी अर्थ। इस प्रकार से इसके आगे भी हम दा लगेंगे। इसके कुछ अपवाद हैं, वो हम यहां पर लिखे दे रहे हैं, जैसे कि गॉड, हेल, हेवन, इन तीनों वर्डों के साथ या इस प्रकार से और भी वर्ड हैं, उनके साथ हम दा नहीं लगाएंगे, जबकि ये भी पूरी दुनिया में एक ही है। इसका मतलब हो जाएगा नर, हेवन का मतलब होता है स्वर्ग, और गॉड का मतलब आप लोगों को पता है ईश्वर। इनके नाम के आगे हम दा नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऐसा ग्रामर लैंग्वेज में लिखा हुआ है, नियम है। और दूसरा पॉइंट ये भी हम कह सकते हैं कि धर्म के हिसाब से इसको नर्क या जहन्नुम कहते हैं, तो अलग अलग नाम देने की वजह से उस पर हम दा नहीं लगाएंगे। इसके बाद छठा यूज, छठा यूज इस प्रकार से है, रिलीजियस बुक्स। रिलीजियस बुक्स के नाम के आगे भी हम दा लगाएंगे। किस प्रकार से, जैसे द गीता, द रामायण, इस प्रकार से हम रिलीजियस बुक्स के नाम के आगे भी दा लगाएंगे। इसके भी कुछ अपवाद हैं, वो यहां पे हम लिखे दे रहे हैं, जैसे कि लिखा है वाल्मीकि रामायण। अब यहां पर हमें दा नहीं लगाना, जबकि ये बुक का नाम दिया हुआ है, यहां दा नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि उससे पहले उनके राइटर का नाम दिया हुआ है, इसलिए हम यहां पर इसके आगे दा नहीं लगाएंगे। इसी प्रकार से गीता, वेद व्यास, अगर लिखा हुआ वेद व्यास गीता, तो हम उसके आगे दा नहीं लगाएंगे। ये यहां पर एक एक्सेप्शन दिया हुआ है, रूल नंबर सेवन। रूल नंबर सेवन इस प्रकार से है कि पार्ट्स ऑफ बॉडीज,
पार्ट्स ऑफ बॉडीज नेम के साथ भी हम डा का प्रयोग करेंगे। किस प्रकार से करेंगे देखते हैं एग्जांपल। एग्जांपल देखते हैं, जैसे इस प्रकार से हम इनके हम के आगे पार्ट ऑफ बॉडीज नेम के आगे दा लगाते रहेंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 8 कॉमन नाउन। आठवां नंबर कॉमन नाउन के साथ भी हम दा का प्रयोग करेंगे जो वो एंटायर कम्युनिटी का सेंस दे रहे हो। किस प्रकार से, जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल लिखते हैं, हमने लिखा है द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। तो हमने यहां पे लगाया हुआ है द, मतलब कि जितने कुत्ते हैं संसार में वो सारे कैसे हैं, फेथफुल। ठीक, इसका एक एक्सेप्शन देखेंगे हम लोग। मैन इज मार्टल, यहां पर भी पूरी कम्युनिटी का ही बोध हो रहा है कि सारे मनुष्य दुनिया के नश्वर हैं, मतलब कि वो मरणशील है, उनकी मृत्यु अवश्य होगी, लेकिन इसके आगे हम आर्टिकल लगाएंगे नहीं, नो आर्टिकल। इसलिए क्योंकि जब हमने डॉग के आगे दा लगाया है तो ये बोध करा रहा है कि जो डॉग है उसको मनुष्यों ने फेथफुल बनाया है, वो ऊपर से फेथफुल बन के नहीं आया। जबकि जब हम मैन के आगे दा इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि अगर मैन के आगे हमने दा लगा दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैन जो मार्टल है वो ईश्वर के पास से ही बन के आया है, इसलिए यहां पर नो आर्टिकल का यूज होगा। बिल्डिंग्स जो फेमस हैं उनके नेम के साथ भी हम दा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, किस तरह से करेंगे ये देखते हैं। जैसे हमने यहां पर लिख दिया है एग्जांपल में दा ताज, दा रेड फोर्ट, इस प्रकार से हम फेमस बिल्डिंग्स के नाम के आगे भी द लगाएंगे। नेक्स्ट यूज देखें, नेक्स्ट यूज होगा एडजेक्टिव डिग्री। एडजेक्टिव डिग्री के साथ भी हम द लगाएंगे। अब चलो, तो एडजेक्टिव डिग्री के साथ भी हम द का प्रयोग करेंगे, देखते हैं कैसे। एडजेक्टिव की तीन डिग्री हमने पढ़ी है, पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव। सुपरलेटिव तो ये हमने तीन डिग्री एडजेक्टिव की पढ़ी हुई है। पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग के साथ हम कई किस प्रकार से दा का प्रयोग करेंगे उसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। तो अगर हम लोग यहां पर कहें, अगर हमने यहां पर कहा द गुड, द गुड का मतलब हो जाएगा अच्छे लोग, क्योंकि गुड माने होता है अच्छा और दा लगाने पर हो जाएगा अच्छे लोग। तो अच्छे लोगों का मतलब द गुड शुड हेल्प द पुअर, या यहां से गुड हटा भी दें हम लोग तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं द रिच। रिच माने हो जाएगा अमीर लोग, शुड हेल्प द पुअर, गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर पुअर और रिच या गुड, ये दोनों हमारी पॉजिटिव डिग्री हैं, ये एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म है, इनके आगे हमने दा का प्रयोग किया हुआ है। इस प्रकार से हम पॉजिटिव डिग्री के आगे दा का प्रयोग कर सकते हैं।
कंपरेटिव डिग्री में। कंपरेटिव डिग्री में कब हम लोग करेंगे, जब कंपरेटिव डिग्री के साथ हम तब द का प्रयोग करेंगे जब एक क्वालिटी बढ़ रही हो उसके साथ ही दूसरी क्वालिटी भी बढ़े। एग्जाम्पल देंगे हम लोग, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इसका एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है द मोर ही गेट्स द मोर ही वांट्स, जितना अधिक उसे मिलता है उतना ही अधिक वह चाहता है। तो जैसे जैसे उसको मिलता रहता है वैसे वैसे उसकी चाहने की क्वालिटी बढ़ती जा रही है। इस प्रकार से दोनों क्वालिटियां बढ़ने पर हम एडवर्ब कंपरेटिव डिग्री के साथ हम द का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर जो कंपरेटिव डिग्री है वो एडवर्ब का प्रयोग कर रही है, गेट मोर हो रहा है, वांट भी मोर हो रहा है, मतलब की क्रिया की विशेषता मोर बता रहा है। सुपरलेटिव डिग्री, इसका एक और प्रयोग देख लेते हैं हम, बी ए हो गया। जब दो लोगों में हमें सिलेक्शन करना है तब भी हम कंपरेटिव डिग्री का ही प्रयोग करेंगे, उसके आगे भी हम द लगाएंगे। तो यहां पर हम शॉर्ट में लिख देते हैं सिलेक्शन, और कंपरेटिव डिग्री का प्रयोग दो ही लोगों में होता है तो यहां पर हम दो लोग लिख देते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, ये इसका एग्जांपल बना सकते हैं हम, विच इज बेटर ऑफ द टू, दोनों में से कौन अधिक अच्छा है। तो यहाँ पर हम सिलेक्शन कर रहे हैं दो लोगों में, इसलिए यहाँ पर हमने कंपरेटिव डिग्री लगाया है गुड का बेटर, और उसके आगे हमने द का प्रयोग किया हुआ है। इसके बाद डिग्री के रूप में हम तीसरा देख लेते हैं, तीसरा पॉइंट हमारा बनेगा, सुपरलेटिव डिग्री। हमें सब मालूम है सुपरलेटिव डिग्री के पहले हमें द का यूज करना होता है, बेसिक यूज है, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। एग्जांपल मैं दे रहा हूं यहाँ पे, एग्जांपल में देखेंगे हम, ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास। तो यहां पर हमने देखा हुआ है सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट लगी है, उसके आगे हम क्या लगा रहे हैं द। यहीं पर हम एक और यूज लिख सकते हैं वन ऑफ द के बाद, ही इज वन ऑफ द बेस्ट बॉय ऑफ हिज क्लास, तब भी हम बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री रख लें, उसके आगे तो हमें द का प्रयोग करना ही होगा। तो इस प्रकार से हम एडजेक्टिव की डिग्रियों के साथ द का प्रयोग कर सकते हैं। कहां पर कर सकते हैं, देखा हमने पॉजिटिव डिग्री में, इस प्रकार से कर सकते हैं जब उसके द लगाएंगे पूरी कम्युनिटी दिखाएगा कि अमीर लोगों को गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए। कंपरेटिव डिग्री में दो यूज हैं, एक जब क्वालिटी एक क्वालिटी के साथ दूसरी क्वालिटी भी बढ़े, और दूसरे में सिलेक्शन, दो लोगों में सिलेक्शन करने पर। तीसरा यूज जब आपके सामने सुपरलेटिव डिग्री का लिखा है। इसके बाद यूज नंबर 11 देखते हैं हम, यूज नंबर 11 में हम ये देखेंगे, अगला प्रयोग देखेंगे हम लोग, कंट्री नेम्स के साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, लेकिन कब करेंगे, क्योंकि हम द इंडिया, द पाकिस्तान, द ऑस्ट्रेलिया नहीं लिख सकते हैं। कब करेंगे, जब यूनाइटेड यूनियन रिपब्लिक किंगडम शब्द दिए हों तो हम उसके आगे द लगाएंगे, जैसे कि द यूनाइटेड किंगडम यूके, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए, द चेक रिपब्लिक
इस प्रकार से हम दा लगाएंगे कंट्री नेम्स के साथ। अगला प्रयोग प्लूरल कंट्री नेम्स, प्लूरल कंट्री नेम्स के साथ भी हम दा का प्रयोग करेंगे, जैसे दा नीदरलैंड्स, दा फिलीपींस, ठीक है। तो नीदरलैंड्स एस दिया हुआ है, फिलीपींस एस दिया हुआ है, ठीक है। तो इनके साथ भी हम दा का प्रयोग करेंगे। अगला प्रयोग देखेंगे हम लोग, सेम वर्ड के साथ हम हमेशा दा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। किस प्रकार से एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, ही इज दस, ही यहाँ पे हटाते हैं, यहाँ पे लगाते हैं दिस, ही लगाने का वो गलत हो जाएगा। दिस इज द सेम बुक, तो हमने यहाँ पर दा लगाया क्योंकि सेम वर्ड दिया हुआ, सेम वर्ड के साथ हम दा लगाएंगे। दिस इज द सेम बुक एज ए सा यस्टरडे, ये वही पुस्तक है जिसको मैंने कल देखा था। और सेम के साथ दूसरा नियम ये होगा कि सेम के साथ एज का प्रयोग आगे हम करेंगे, ना कि दैट, हु या डब्ल्यूएच फैमिली का। अगला प्रयोग देखेंगे हम लोग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ हम दा का प्रयोग करेंगे, जैसे दा वायोलिन, दा गिटार, दा तबला। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है आई लाइक दा वायोलिन, मुझे वायोलिन पसंद है, ठीक है। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी हम दा का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, स्कूल, कॉलेज, चर्च आदि के साथ जब उद्देश्य भिन्न हो, उद्देश्य भिन्न होने का मतलब इनके साथ हम दा का प्रयोग नहीं करते हैं। जब जीरो आर्टिकल आप लोग पढ़ेंगे या ऑमनिजन आप आर्टिकल पढ़ेंगे जहां पर आर्टिकल नहीं लगने हैं, वहां पर ये दिया होगा, उसका उल्टा नियम यहाँ पे दिया हुआ है, स्कूल, कॉलेज, चर्च आदि के साथ दा का प्रयोग करेंगे जब उद्देश्य भिन्न हो। मतलब कि स्कूल किस लिए जाया जाता है, कॉलेज किस लिए, पढ़ने के लिए। अगर पढ़ने के उद्देश्य है तो वहां पर दा हम नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल में मेंशन है, समझिए, ही वेंट टू द स्कूल टू मीट हिज फादर, वह विद्यालय तो गया लेकिन पढ़ने नहीं गया, अपने पिताजी से मिलने गया, इसलिए यहाँ पर हम दा का प्रयोग करेंगे। 16 नंबर, लैंग्वेज, लैंग्वेज के साथ जब लैंग्वेज वर्ड दिया हो, लैंग्वेज के साथ हम दा नहीं लगाएंगे। द इंग्लिश हम लोग कह नहीं सकते, द इंग्लिश इज माई फेवरेट लैंग्वेज, ये नहीं हम कह सकते, इसलिए हम लोग यहाँ पर जब उसके साथ लैंग्वेज वर्ड दिया है तो हम उसके साथ दा का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, आई कैन स्पीक द इंग्लिश लैंग्वेज, मैं इंग्लिश लैंग्वेज बोल सकता हूँ, तो यहाँ पर लैंग्वेज वर्ड इंग्लिश के साथ दिया हुआ है इसलिए हम यहाँ पर दा लगाएंगे। आई कैन स्पीक द हिंदी लैंग्वेज, तो हम वहां पर हिंदी अगर यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर लैंग्वेज दिया है उसके साथ दा लगेंगे। इसका एक दूसरा प्रयोग है वो देखते हैं, जब हम यहाँ पर लिख देंगे द इंग्लिश, द इंग्लिश आर गुड पीपल, तो अब हमने देखा है लैंग्वेज का नाम तो दिया है लेकिन उसके आगे हमने दा लगाया है, यहाँ पर ये हो जाएगा प्लूरल मिलाने पर और इसका मतलब हो जाएगा क्या, अंग्रेज लोग, आर गुड पीपल, अच्छे लोग हैं, तो हमने यहाँ पर दा लगाया। अगर हम लैंग्वेज के आगे दा लगा देंगे तो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो प्लूरल हो जाएगा और उसका मतलब हो जाएगा वह उस देश के निवासी जहाँ की वो लैंग्वेज है। दी इंग्लिश पढ़ेंगे क्योंकि वो ई दिया हुआ है और कल हमने बताया था जब वावेल साउंड करेगा तो दी पढ़ेंगे, द इंग्लिश आर गुड पीपल, ठीक है। इसके आगे का नेक्स्ट प्रयोग देखते हैं हम लोग, डी अगला प्रयोग देखिए 17 नंबर का, स्पेस जब स्थान के रूप में हो प्रयोग हो, स्पेस का मतलब अंतरिक्ष होता है, तो अंतरिक्ष के रूप में होता है लेकिन जब उसका हम स्थान के रूप में करेंगे, जैसे यहाँ पर स्पेस इनफ नहीं है तो हम उसके साथ भी दा लगाएंगे। एग्जाम्पल देखिए आपको समझ में आएगा, ही वांट्स टू पार्क हिज कार हियर, वो अपनी गाड़ी यहाँ पर खड़ी करना चाहता है लेकिन स्पेस के आगे द स्पेस इज नॉट इनफ, की स्पेस यहाँ पर, जगह यहाँ पर, स्थान यहाँ पर पर्याप्त नहीं है, इसलिए यहाँ पर स्पेस के आगे हम दा का प्रयोग करेंगे। अगला प्रयोग देखते हैं डायरेक्शन के साथ, डायरेक्शन के साथ भी इसका प्रयोग बहुत ही अच्छी तरीके से हमें करना है। एग्जाम्पल द सन सेट्स इन द वेस्ट, लेकिन यहाँ पर जो हमने द लगाया हुआ है इसके पहले प्रीपोजिशन आना अनिवार्य, ही इज कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ डायरेक्शन, तो फ्रॉम के बाद ही हम द लगाएंगे कि वह किससे, उत्तर दिशा से आ रहा है, तो द के पहले क्या आना चाहिए, प्रीपोजिशन आना चाहिए। आगे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, द प्लस नेम प्लस आ, फिर आगे का जो भी सेंटेंस हो उसका एक प्रयोग देखिए नीचे, द बैंक, बैंक एक संस्था का नाम है जहां पैसे निकाले जाते हैं, ये हमारा नाउन है, तो यहाँ पर नेम और नाउन एक ही बात है क्योंकि नाउन इज नेमिंग वर्ड, तो यहाँ पर हमने नाउन लिखा हुआ है,
द बैंक ऑफ अमेरिका, अमेरिका का बैंक, तो मतलब ये स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पर हम द लगाएंगे। द पीपल ऑफ माई फैमिली द लगाएंगे, इज ए बिग बैंक। उसके बाद 20वां प्रयोग थोड़ा सा रेयर, क्योंकि इसके साथ हमें लगाना ही नहीं होता, अगर हम कहें गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल सही है, उसके साथ हम द नहीं लगाएंगे। उसके लिए हमने आगे लिखा हुआ है मटेरियल या ऑब्जेक्ट नाउन के साथ स्पेसिफिक होने पर, विशेष होने पर, तब ही हम उसके साथ द लगाएंगे। जैसे द गोल्ड ऑफ दिस रिंग, एक विशेष रिंग के गोल्ड की बात हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर द लगाएंगे। या फिर हम कहें तो यही स्ट्रक्चर नीचे भी दिया हुआ है, द फिर उसके बाद नाउन गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज प्योर, यहाँ पर द लगाया हुआ है हमने। ऑनेस्टी एक नाउन है, उसके बाद ऑफ राम इज प्रेजवर्दी, राम की ईमानदारी कैसी है, प्रशंसनीय है। इस प्रकार से 20 प्रयोग हमने आपको डेफिनेट आर्टिकल द के बताए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आगे की वीडियो भी आपको मिलेगी। जय हिंद जय भारत। आपको जो कोई भी क्वेरी हो, कोई भी टॉपिक पढ़ना हो, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।